सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरबी की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले अरबी को अच्छे से धो लेंगे। मैंने यहाँ पे अरबी को अच्छे से धो ली है, अब हम इसको काट लेंगे। इसका जो काला वाला पार्ट है इसको हम सबसे पहले काट के हटा देंगे, उसके बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। बहुत से अरबी काटते समय ना हाथों में थोड़ा सा खुजली या फिर थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है, तो तब ना आप थोड़ा सा इमली अपने हाथों में लगा सकते हो, तब ये अच्छे से चली जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे अरबी के छिलके पहले निकाल लेंगे और उसका अगला और पिछला वाला हिस्सा भी काट के फेंक देंगे। मैंने यहाँ पे सारे अरबी को अच्छे से काट ली है, अब हम इसको धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको फिर से काटने वाले हैं, तो आप ना इसको लंबा लंबा काट सकते हो, मैं इसको गोल गोल कतली जैसे काट रही हूँ। इसमें भी टेस्ट का थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। इस तरीके से काटने से ना ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है और खाने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आपने देखा आधे इंच से थोड़ा सा कम मैंने इसको मोटा रखा है। अब हम इसको फिर से धो लेंगे साफ पानी से, और धोने के बाद हम सीधा चलेंगे गैस की ओर। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप कोई भी तेल से डाल सकते हो, लेकिन सरसों के तेल से ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाए हम इसमें सीधा ये अरबी को डाल देंगे। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू हाई पे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नमक डाल देना थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देना। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखते हुए इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्राई कर लेना। जैसे जैसे आप फ्राई करोगे ना ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, तो इसके ऊपर से थोड़ा सा दाग लगे तब तक आपको फ्राई करनी है। तो ढक ढक के फ्राई करना, ये सॉफ्ट भी होगी अंदर से और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी और आपका गैस भी बचेगा। तो इस तरीके से फ्राई करने में आपको लगभग 8 से 10 मिनट या फिर 12 मिनट भी लग सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो दोस्तों कि इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गई है और इसका जो मॉइस्चर है ना वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे तेल में से और साइड में छोड़ देंगे। और तेल अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और डाल सकते हो। यहाँ पे जो तेल है ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, इसलिए और तेल मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने एक ही बार में 4-5 बड़े चम्मच जितना तेल ले ली थी, और ये जो अरबी है ना ये तेल ज़्यादा सोख करती नहीं है। तो इसी तेल में हम डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 सूखी हुई तेज पत्ता और 1 छोटा चम्मच इतना जीरा। ये सारे मसाले को तेल में डाल देने के बाद आधे से 1 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जीरा जब ही सारे चटक जाएंगे, थोड़े से पटपट करके ये सारे जीरा जब चटक जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है 2 बड़े साइज़ के। आप अगर छोटे साइज़ के ले रहे हो तो आप 4 लेना, मीडियम साइज़ के ले रहे हो तो 3 लेना। फ्लेम को हाई पे रखते हुए हम प्याज में डाल देंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। नमक डालने से ना प्याज जल्दी भून जाते हैं, तो हाई फ्लेम पे हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई मत कर देना दोस्तों, इसका हमें बरिस्ते नहीं बनाने हैं। ये थोड़े से सॉफ्ट भी रहेंगे, तो इसका कलर चेंज जब हो जाए हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट। अब मीडियम फ्लेम पे हम अदरक और लहसुन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो कच्चापन है वो नहीं चली जाती है। तो 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना, इसका जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल चला जाएगा। तब फ्लेम को आप कर देना बिल्कुल लो पे और इसमें डाल देना टमाटर, काट के डालना, बारीक काट के मत डालना, 4 टुकड़ों में डाल देना 2 छोटी वाली टमाटर, 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने यहाँ पे डाल दी है ताकि कलर बहुत ही खूबसूरत आए, और थोड़ी सी पानी आपको डालनी है ताकि ये जो सारे मसाले हैं ये कहीं चल ना जाए। आप चाहो तो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है इसको स्किप कर सकते हो। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक ये जो टमाटर है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हुई तो वो हाइब्रिड के होंगे, तो फिर से आप थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना, लेकिन इसको अच्छे से मैश करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से मैश कर ली है, यहाँ पे मसाले ने भी तेल छोड़ दी है, मतलब कि ये भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई करके रखी हुई अरबी को।
अब हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे और अगर आपको लगे कि मसाले सारे सूख रहे हैं, थोड़े से जल रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। मसालों के साथ हम अरबी को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से तेल नहीं छोड़ देती है। और बीच बीच में आप ना इस तरीके से एक तोड़ के देखना कि ये अच्छे से सॉफ़्ट हुई है कि नहीं। ये लगभग सॉफ़्ट हुई है लेकिन थोड़ा सा और बाकी है। जब भी इसमें तेल छोड़ दे तब आप इसमें डाल देना पानी, पानी के साथ थोड़ा सा नमक भी डालना। और ये जो ग्रेवी बनते हैं ना दोस्तों, ये ज़्यादा पतले ग्रेवी नहीं बनते हैं, तो ज़्यादा पानी मत डालना। और ये जो अरबी है, अरबी बहुत ही जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए हम इसको ढक के छोड़ देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। उसके बाद आप एक ना चेक करके देखना कि ये सॉफ़्ट हुई है कि नहीं। अब ये देखो कितने अच्छे से ये मुलायम हो गई है। अपनी अरबी की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों। बस गैस को बंद करके थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर अब डाल देना, चाहो तो थोड़ी सी धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। अभी आप इसको राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, ये ज़बरदस्त बनी है। तो ये वाली रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले अरवी की सब्ज़ी कैसी बनी है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।